मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष उभा ओझा और उपाध्यक्ष अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक सर्वेक्षण 2019 पर अपना पक्ष रखा। शोभा ओझा और अभय दुबे ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह कहते थे कि उन्होंने मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि समृद्ध मध्य प्रदेश का टैग किसने दिया। शिवराज सिंह ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। इकोनॉमिक सर्वे 2019 चौंकाने वाला है। बीजेपी राज में संसाधनों की संगठित लूट की गई है। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 आया है, बेहद चौंकाने वाला है और आंख खुलने वाला है कि किस तरह से पिछली सरकार, जो शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी की सरकार थी, उसने संसाधनों का संगठित लूट की और एक झूठ मूठ का समृद्ध मध्य प्रदेश का टैग मध्य प्रदेश को दिया, जबकि नीति आयोग के जो सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से, और नीति आयोग केंद्र सरकार बीजेपी की है, उसने जो रिपोर्ट दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पे मध्य प्रदेश पिछड़े प्रदेशों में गिना जा रहा है। देश एवं प्रदेश की कृषि फसलों के मूल्यांकन संवर्धन में वार्षिक वृद्धि दर के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर का उतार चढ़ाव सीमित है, वहीं मध्य प्रदेश में वृद्धि दर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। उतार चढ़ाव का प्रमुख कारण इत्यादि इत्यादि, और इसकी पूरी व्याख्या उन्होंने की है कि कितने हालत खराब है। ये हम नहीं कह रहे, ये तथ्यात्मक रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की प्रकाश डाल रही है।